एक्टिवा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बिकता है, जो कि अपाचे और पल्सर को कड़ी टक्कर दे रही है प्रेजेंट टाइम में, और एक्सट्रीम को भी कड़ी टक्कर दे रही है ना। इसकी एक्सट्रीम प्राइस है 62,900 रुपीज़, यानी कि 62,900 रुपये। उसमें एक ही वेरिएंट आता है। फेस्टिव सीजन आ गया है और मैं आ गया हूँ होंडा के शोरूम पर, और इनकी नई वाली प्राइस लिस्ट भी मेरे साथ में है। यदि आप अपने लिए होंडा की कोई भी बाइक या फिर कोई भी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो, तब तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि होंडा अपने बाइक एंड स्कूटर पर अपन को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देने वाला है, एंड इसी के साथ साथ डीलरशिप की तरफ से भी आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं। यदि आपके पास में HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इनकी लेटेस्ट प्राइस क्या है बाइक एंड स्कूटर की, आइए जानते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं इनके स्कूटर सेगमेंट से, जिसमें एक्टिवा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बिकता है। एक्टिवा के साथ साथ स्पोर्ट सेगमेंट में इनका DO भी आता है। भाई एक्टिवा में अपन को काफ़ी सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 110 सीसी में भी आता है और 125 सीसी में भी आता है। एक्टिवा 110 सीसी में टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड, डीलक्स, HSmart। ये जो खड़ा हुआ है ये 110 सीसी वाला है। कीमत की अगर बात की जाए, स्टैंडर्ड में इसकी एक्सोरूम प्राइस है 78,671 रुपीज़, डीलक्स की है 81,172 रुपीज़, और भाई HSmart की एक्स शोरूम प्राइस है 83,671 रुपीज़। बेस वेरिएंट में ये ऑन रोड आते आते लगभग मिल जाएगा 1,00,000 रुपये के आसपास, एंड इसका जो डीलक्स वेरिएंट है वो ऑन रोड आते आते मिल जाएगा 1,02,000 रुपये के आसपास, एंड जो HSmart वेरिएंट है वो ऑन रोड आते आते आपको मिलेगा 1,05,000 रुपये के आसपास, जिसमें मैंने एसरीज एड ऑन होके मैंने आपको प्राइस बताई है, ठीक है भाई। एंड एसरीज इसमें लगभग 5,000 रुपये के आसपास लग जाती हैं। स्कूटर में एसरीज ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती हैं, क्योंकि ये सेफ्टी वगैरह, इसमें गार्ड वगैरह लग जाते हैं ना, तो ये ज़रूरी है। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं एक्टिवा 125 की तरफ। इसमें अपन को 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ड्रम, अलॉय, डिस्क और HSmart। ये लगा है इसका HSmart, जिसमें डिस्क है, ये डिस्क वाला लगा हुआ है, एंड ये देखो ये ड्रम वाला लगा हुआ है। तो सभी वेरिएंट्स इधर ये खड़े हुए हैं, ये देखो, है ना, तो चारों वेरिएंट ये खड़े हुए हैं। बेस वेरिएंट की एक्सोरूम प्राइस मैं आपको बताता हूँ 83,000, और एलॉय वाले की है 86,700, डिस्क वाले की है 90,000, HSmart की है 91,204 रुपीज़, ठीक है। एसरीज़ के साथ में मैं आपको प्राइस बताऊँ या फिर विदाउट एसरीज़, चलो विदाउट एसरीज़ बताता हूँ इस वाले की। पहले वाले में 5,000 माइनस कर देना, तो विदाउट एसरीज़ आपको प्राइस पता लग जाएगी। इसमें भी लगभग 5,750 रुपये की एसरीज लगेंगी। तो ये ऑन रोड आते आते बेस प्रिंट पे मिलेगा 1,09,000 रुपये का, उससे ऊपर 1,12,000 रुपये का, उससे ऊपर 1,14,000 रुपये का, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट ये आपको 1,14,000 के आसपास मिल जाएगा 125 सीसी में एसरीज़ के साथ में। ये सभी एक्टिवा की मैंने आपको प्राइस बता दी है। इससे ऊपर आता है इनका DO, जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी सेगमेंट का स्कूटर है। उसमें भी 2 मॉडल आते हैं, 110 सीसी और 125 सीसी। 110 सीसी में टोटल 3 वेरिएंट, स्टैंडर्ड, डीलक्स, HSmart, और 125 में स्टैंडर्ड और HSmart। 110 में एक्स शोरूम प्राइस है 74,000 रुपये के आसपास, और डीलक्स में है 80,000 रुपये के आसपास, एंड HSmart में है लगभग 82,000 रुपये के आसपास। 125 सीसी में है इसकी प्राइस लगभग 87,000 रुपये, एंड HSmart में, DO की मैं बात कर रहा हूँ, 125 सीसी की एक्सोरूम है HSmart की 93,847 रुपये, ठीक है। ऑन रोड आते आते मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। DO की ऑन रोड प्राइस रहेगी बेस वेरिएंट में 110 सीसी में 95,000 रुपये, उससे ऊपर 1,00,000, उससे ऊपर 1,03,000 रुपये। 125 सीसी की अगर बात की जाए, ऑन रोड आते आते रहेगी लगभग 1,09,000 रुपये, 1,17,000 रुपये, लेकिन भाई उसमें लगभग 6,000 रुपये के आसपास वही एसरीज रहेंगी। चलते हैं इनके बाइक सेगमेंट में। तो सबसे पहले वाली बाइक की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि आती है इनकी साइन की 100। तो भाई देखो, यहाँ पर इनके 3 कलर खड़े हुए हैं साइन 100 के। ये रहा ग्रीन कलर, जिसमें नियोन, ये देखो एलॉयस पर कुछ इस तरह की ग्राफिक्स मिलते हैं। इधर ये ब्लू कलर में, एंड इधर ये रेड कलर में। कौन सा कलर आपको पसंद आ रहा है बताना कमेंट करके।
इसकी एक्सोरूम प्राइस है 62,900 रुपीज़, यानी कि 62,900 रुपये। एंड ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको लगभग 76,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, है ना, जिसमें एसेसरीज वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं CD110 ट्रिम डीलक्स की। इसमें एक ही वेरिएंट आता है, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 75,000, ऑन रोड आते आते ये लगभग विथ एसेसरीज 93,000 के आसपास मिल जाएगी, जिसमें 4,000 रुपये की एसेसरीज आपको मिलेगी। 110 सीसी के सेगमेंट में एक इनके पास में ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया बाइक है लिवो। इसमें टोटल दो वेरिएंट आते हैं, डिस्क और ड्रम, ठीक है। डिस्क में इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 83,000 रुपये और ड्रम में इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 78,000 रुपये, है ना। ड्रम वेरिएंट में ये ऑन रोड आते आते आपको मिल जाएगी 97,000 रुपये के आसपास, और डिस्क वेरिएंट में आपको ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगी 101,000 रुपये के आसपास, जिसमें एसेसरीज इंक्लूडेड हैं 3,000 रुपये की। अब बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ, जिसमें इनकी साइन 125 आती है। इसमें टोटल दो वेरिएंट आते हैं, डिस्क और ड्रम। ड्रम में इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 80,000 के आसपास और डिस्क में इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 84,000 के आसपास, है ना। ऑन रोड आते आते ड्रम वेरिएंट में ये मिल जाएगी 99,000 की एंड डिस्क वेरिएंट में आपको मिलेगी 104,000 रुपये के आसपास, जिसमें लगभग 3,500 रुपये की एसेसरीज आपको मिलेंगी। इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो SP 125 आती है। ये देखो, सभी कलर मैं आपको दिखा देता हूँ जितने यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें टोटल दो वेरिएंट आते हैं, डिस्क और ड्रम। ड्रम में इसकी एक्सोरूम प्राइस है 88,000, डिस्क में इसकी एक्सोरूम प्राइस है 92,000। एंड ऑन रोड आते आते ये एसेसरीज के साथ में 108,000 की मिलेगी। ड्रम में, डिस्क में मिलेगी 112,000 के आसपास, जिसमें 3,000 से 3,500 रुपये की एसेसरीज एड ऑन है। इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो आती है इनकी SP 160, जो कि अपाचे और पल्सर को कड़ी टक्कर दे रही है प्रेजेंट टाइम में, और एक्सट्रीम को भी कड़ी टक्कर दे रही है, है ना, क्योंकि ये बाइक जो है एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है एंड स्पोर्ट का पूरा मज़ा देती है। इसमें भी टोटल दो वेरिएंट आते हैं, सिंगल डिस्क एंड डुअल डिस्क। सिंगल डिस्क की एक्सोरूम प्राइस है 1,20,000 एंड डुअल डिस्क की एक्सोरूम प्राइस है 1,25,000, ठीक है। सिंगल डिस्क में ये ऑन रोड आते आते आपको मिल जाएगी 1,48,000 की इंक्लूडेड एसेसरीज, एंड जो डुअल डिस्क है उसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,53,000 इंक्लूडेड एसेसरीज, लगभग 3,000 से 3,500 रुपये की एसेसरीज। इसमें काफ़ी सारे एडवांस लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बाइक में मिल जाती हैं। किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। यदि आपको एक प्रॉपर कम्यूटर बाइक चाहिए जिसमें हेलोजन बल्ब से आपको फ़र्क ना पड़े, तो आप इनकी यूनिकॉर्न की तरफ जा सकते हो। उसमें एक ही वेरिएंट आता है, उसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,12,000, सस्ती भी है, दमदार इंजन के साथ में आती है। ऑन रोड आते आते आपको लगभग 134-135 के आसपास मिल जाएगी। होंडा में यदि और ऊपर बढ़ते हैं तो आती है इनकी हॉर्नेट 2.0, जो कि 180 सीसी की बाइक है। इसमें दो मॉडल आते हैं, ABS एंड रेपसोल एडिशन, है ना। रेपसोल एडिशन वैसे तो ये अपन को थोड़ा सस्ता मिलता है इस वाली बाइक से। चलो मैं आपको दोनों की प्राइस बता देता हूँ। इसकी एक्सोरूम प्राइस है जो अभी सामने है 1,41,000 एंड रेपसोल एडिशन की प्राइस है लगभग 1,40,000। 1,000 रुपये का अंतर है, वो सस्ती है। ऑन रोड आते आते ये आपको मिल जाएगी 1,71,000 के आसपास एंड वो 1,000 रुपये सस्ती है, जिसमें 3,500 रुपये की एसेसरीज एड ऑन है। होंडा में 200 सीसी में आती है इनकी CB200X, ठीक है। उसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,49,000, ऑन रोड आते आते वो आपको मिल जाएगी 180,000 के आसपास, जो कि यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्राइस जो है बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। उसमें भी लगभग 3,000 रुपये की एसेसरीज एड ऑन है। अब भाई, मैंने आपको जो भी प्राइस बताई है सारे वेरिएंट की प्राइस आपके सामने है। ये रहा स्कूटर सेगमेंट, ये रहा बाइक सेगमेंट, है ना। वेरिएंट लिखे हुए हैं, एक्सोरूम प्राइस लिखी है, इंश्योरेंस, 1+4, RTO, एसेसरीज, ऑन रोड प्राइस एंड यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रही होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि आप ऐसे ही हीरो, बजाज, TVS,
एंड कार सेगमेंट में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।